सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूँ। और वो कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं, बराबर। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते आप ईश्वर है? इससे भाईचारगी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी? वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है। चाहे वो चोर या डाकू हो, मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ये नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की एजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से ने खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानिए भाई साहब, आप बोल सकते? नहीं पता क्या मानिए? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो, आप समझे ना। मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं, ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है, आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी, सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोली क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यक्सा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा
और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।